अगर आपके पास रियलमी का कोई भी मोबाइल है और उस मोबाइल में आपका सिस्टम लॉन्चर यहाँ पे क्रैश हो चुका है, आपका मोबाइल यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो कुछ स्टेप को फॉलो करने बाद इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास रियलमी का डिवाइस है और इस रियलमी के डिवाइस में मेरा मोबाइल पूरा डेड हो चुका है। यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर काम नहीं कर रहा है, होम स्क्रीन ओपन नहीं हो रहा है, स्क्रीन पूरा यहाँ पे ब्लैंक देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट को यूज़ करता हो तो फिंगरप्रिंट को यूज़ करने के बाद होम स्क्रीन आपको यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं होता है और कुछ भी वर्क आप यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। और फिर से अगर मैं यहाँ पे फ़ोन को लॉक करता तो आपको फिंगरप्रिंट तो यहाँ पे शो हो जाता है और फिंगरप्रिंट को जैसे आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो होम स्क्रीन आपको यहाँ पे ब्लैंक देखने को मिलता है। कंट्रोल पैनल यहाँ पे वर्क कर रहा है, कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पर यहाँ पे क्या है कि होम स्क्रीन आपको यहाँ पे ब्लैंक देखने को मिलता है। तो सबसे पहला टिप्स आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम जो अप बटन देखने को मिल रहा है इसको प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार यहाँ पे रिसेट कर लेना है। तो जब आप अपने मोबाइल को यहाँ पे रिसेट कीजिएगा तो रिसेट करने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होता है, अगर आप अपने मोबाइल को रिसेट करते हैं फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे क्लियर करने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं अभी भी मेरा यहाँ पर होम स्क्रीन ब्लैंक देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना, ऊपर में आपको सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सेटिंग का ऑप्शन कुछ देर में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो आप यहाँ पे साइड बार में जाइएगा, साइड बार में जाने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे जाइएगा और एडिट वाले ऑप्शन में जाने में ऐप्स पे क्लिक कीजिएगा और ऐप्स पे क्लिक करने के बाद नीचे में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस सेटिंग का ऑप्शन को साइड बार में भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। पर दोस्तों इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए आपको काफ़ी फास्ट यहाँ पर वर्क करना है। अभी आप देख सकते हैं फिर भी मेरा मोबाइल यहाँ पर हैंग हो चुका है। तो आपको दोस्तों दोबारा क्या करना है, अपने मोबाइल को फिर से रिसेट कर लेना है और इस प्रोसेस को यहाँ पे तेज़ी से करना है और कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोबारा मैं अपने मोबाइल को यहाँ पे रिसेट कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल रिसेट हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पर फ़ोन को ओपन करूँगा, होम स्क्रीन ब्लैंक देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल पैनल को ओपन कर लूँगा और तुरंत मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा और ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपको यहां पे लिखना है सिस्टम लॉन्चर, ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद स्टोरेज स्पेस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसका क्लियर ऑल डाटा आपको एक बार यहाँ पर कर लेना है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिस्टम लॉन्चर को एक बार यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर लेना है, फिर से आपको स्टोरेज यूजेस में जाना है और फिर से इसका क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। अगर आपने सिस्टम लॉन्चर का कोई नया अपडेट करके रखा हुआ है तो उस अपडेट को अनइंस्टॉल कर लेना है, थ्री डॉट में जाना है, अनइंस्टॉल अपडेट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको अनइंस्टॉल कर देना है। बस दोस्तों आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद होम स्क्रीन में जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिस्टम लॉन्चर यहाँ पे वर्क करना चालू कर दिया है। होम स्क्रीन में सभी एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं, कोई भी आपको हैंग और लैग का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो स्क्रीन आपको यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिल रहा था वो आपको यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।